प्यारे बच्चों, पेश है सीबीएसई 10वीं जमात की साहित्य माला दे पाठ जंग दा हाल। पंजवें पाठ जंग दा हाल शाह मुहम्मद दी रचना दी एक्सप्लेनेशन। फेरू शहर दे हेठ जा खेत रुद्दे तोपां चलियां नी वांग तोड़ियां दे। फेरू शहर सतलुज दे दूसरे पासे जिला फिरोजपुर दे मुदकी दे कोल इक थां। इत्थे सिख फौजां ते अंग्रेजी सेना की लड़ाई 21 दिसंबर 1845 नूं हुई। फेरू शहर दे हेठ जा खेत रुद्दे, हेठ जा खेत रुद्दे बाहर जाके खेतां विच मोर्चा ला लिया। तोपां चलियां नी वांग तोड़ियां दे, तोड़ियां दे मतलब पलीते नूं अग ला के चलाउण वालियां बंदूकां, ऐसियां बंदूकां जिन्हां नूं थोड़ी अग ला के चलाया जांदा सी। इत्थे इसका मतलब है कि जिहड़ी गोलाबारी है वह लगातार चल रही सी। फिर उस शहर दे हेठ जा खेत रुद्दे तोपां चलियां नी वांग तोड़ियां दे, सिंह सूरमे आण मैदान लथे, गंज ला सुट्टे उन्हां गोरियां दे। गंज का मतलब हुंदा है सिर। जिस वेले फौजां फेरू शहर दे लड़ाई दे मैदान विच डट गईयां तां उत्थे तोपां बड़े जोर नाल चलियां, लगातार गोले वर रहे सन। बहादुर सिंघां ने जंग दे मैदान विच कई गोरियां नूं मौत दे हवाले कर दिता। टुंडे लाट ने अंत नूं खाए गुस्सा। टुंडा लाट कौन सी? अंग्रेजां दा गवर्नर जनरल लॉर्ड हैनरी हार्डिंग, जिसने नपोलियन नाल लड़ाई करदे समय अपना हथ गवा लिया सी, जिस कारण पंजाबी उसनू टुंडा लाट कहिंदे सन। टुंडे लाट ने अंत नूं खाया गुस्सा, फिर दित्ते नी लख टंडोरियां दे, शाह मुहम्मद दा रंड बिठाए नंदन। रंड दा मतलब है विधवा कर दित्ती, नंदन लंडन। शाह मुहम्मद दा रंड बिठाए नंदन, सिंह जान सब्बे नाल जोरियां दे। एहो जही बुरी हालत हुंदी वेख के गोरियां दे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग नूं बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी फौज विच ढंडोरा पिटवा के यह हुक्म कीता कि वह अपनी पूरी जोर अपना पूरा जोर ला के अपनी पूरी वाह ला के सिख फौज का मुकाबला करन। सिंघां दी सूरबीरता दे सामने अनेकां गोरियां दी कोई मौत ने लंडन विच रहिंदियां अनेकां औरतां नूं विधवा कर दिता। सिख फौजां बड़ी ताकत नाल अगे वध रहियां सन। होया हुक्म अंग्रेज दा तुरत जल्दी, तोपां मारियां नीर दे आए वल्ले। नीर दे आए वल्ले पानी वाले पासे सतलुज दरिया दे कंडे ते फूक सुट्टियां सारियां मेखजीना शस्त्र कर। सिंह उड के पत्तरा होए चले दौड़ चले। लॉर्ड हार्डिंग दे हुक्म तों बाद अंग्रेजा ने सतलुज दे कंडे ते फेरू शहर दे बाहर खेतां विच मोर्चा लाई बैठी सिख फौज ते तोपां ते गोलियां दा मीह वरा दिता। उन्हां ने गोलियां चला के शस्त्र घर विच पिया सारा सिक्का बारूद खत्म कर दिता। मेखजीना तो मतलब हुंदा है बच्चो शस्त्र घर, जिथे शस्त्र रखे जांदे आ। पत्तरा होए चले दा मतलब है दौड़ चले। फूक सुट्टियां सारियां मेखजीना, सिंह उड के पत्तरा होए चले। सो उन्होंने गोलियां चला के शस्त्र घर विच पिया सारा सिक्का बारूद मुका दिता। सिंह अपने ते होए इस अचनचेत हमले, अचनचेत दा मतलब अचानक जिहड़ा हमला होया सी उसका मुकाबला ना कर सके, क्योंकि हमला अचानक इकदम होया। ते अपने जरनैल तेजा सिंह दी गद्दारी कारण भजन लई मजबूर हो गए। छैलदारियां तंबूआं छड दौड़े, कोई चीज ना लईए बन पल्ले, उड़क लिया मैदान फिरंगियां ने शाह मुहम्मद दा रण उन्हां मूल हल्ले। ओह छौलदारियां ते तंबू भी छड गए। ओह तो इत्थे मतलब है सिख, जिहड़े सिख सन उस वेले उन्होंने छौलदारियां ते तंबू उन्होंने छड़ने पए। अपना सारा जंगी सामान, जंग नूं लैके जिहड़े हथियार सी जां जो भी कुछ समान सी, ओह भी उन्हां नूं उत्थे छड़ना पिया, उसनों नाल ना ले जा सके।
इंज अंग्रेजा नूं टक्कर देने वाली फौज दे भरोसा गुआ लैण कारण अंग्रेजा ने यह लड़ाई जित ली। सिख फौज नूं निराशा सहनी पई। अगे चलते हैं। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पादशाही फौजां भारियां नी। हिंद पंजाब दा जंग तो मतलब है अंग्रेजां ते सिखां दी लड़ाई। अज होवे सरकार तां मुल पावे जिहड़ियां खालसे ने तिगां मारियां नी। अज होवे सरकार तां मुल पावे, सरकार तो इत्थे मुराद है मतलब है महाराजा रणजीत सिंह जी, ते जिहड़ियां खालसे ने तिगां मारियां नी। तिगां मतलब तलवारां, मतलब सूरबीरता नाल जिहड़ी लड़ाई लड़ी है सिखां ने। शाह मुहम्मद नूं अंग्रेजां ते सिखां दी इह लड़ाई हिंद ते पंजाब दी जंग महसूस हुंदी है। उस दे अनुसार दोहां पासिआं दीआं फौजां बड़ी सूरबीरता अते गिणती विच वड्डीआं ने। सिख फौज ने बड़ी बहादुरी नाल, बड़ी दलेरी नाल अंग्रेजां दा मुकाबला कीता, जंग कीती। जेकर किधरे महाराजा रणजीत सिंह जिउंदा हुंदा तां उह अपनी फौज दे बहादुरां नूं कई इनाम दे दिंदा। ये शाह मुहम्मद जी कह रहे हैं। अगे चलते हैं। घोड़े आदमी गोलियां नाल उड़न, हाथी टहिंदे सने अंबारियां नी। अंबारियां हौदियां। शाह मुहम्मद दा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां नी। लड़ाई भयानक हुंदी जा रही सी। घोड़े ते आदमी तोपां ते गोलियां नाल हवा विच उड़ रहे सन। हाथी हौदियां समेत जमीन ते डिग रहे सन। सिख फौज जित दे नेड़े पहुंच के भी हार गई, क्योंकि उन्हां दी अगवाई महाराजा रणजीत सिंह वर्गे सियाने ते बहादुरी दे कदरदान व्यक्ति दे हाथ विच नहीं सी। सो बच्चियो, अगली बार मिलांगे एक होर पाठ दे नाल। उदों तक इजाजत दिओ, खुश रहो, सेहत याब रहो।